हेलो एंड वेलकम टू बुक विद प्रेमलता। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बरबट्टी और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। सूखी सब्जी है तो ये देखिए, मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें जीरा डाला है और ये प्याज है। प्याज का एक गोटा प्याज को मैंने फोरन दिया है। और ये आलू है, ये बड़ा आलू है तो मैंने इसको दो आलू किए हैं। तो आजकल काफ़ी बड़े बड़े आलू भी आ रहे हैं तो ये दोनों आलू को मैंने छील के अच्छी तरह से काट लिए हैं। और ये थोड़ा देर हल्का सा भुनाएगा, उसके बाद मैं इसमें बरबट्टी और उनको डालूँगी। बरबट्टी पहले डालूँगी, थोड़ा सा रुक के फिर गोभी डाल दूँगी। तो इसका सूखी सब्जी है ये देखिए, आधा आलू मेरा पक गया था तब मैंने बरबट्टी को धो के अच्छी तरह से डाला है। और बरबट्टी को छोटा छोटा बड़ा बड़ा जैसे आपको अवेलेबल है, आपके पास जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह से काटिए। और ये देखिए अच्छी तरह से धो के मैंने जाली पे ही मैं धोती हूँ सब्जियों को, ताकि उसका जितना भी बालू है ये है सब निकल जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से कितना अच्छी तरह से भुना रहे हैं। और इसको मैं ढक ढक के पकाऊँगी और रुक के मैं गोभी भी डालूँगी। गोभी को भी मैंने काट लिया है, एक गोभी है मेरा, तो मिक्स करके मैं बना रही हूँ सब्जी बरबट्टी गोभी आलू की। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनी थी सब्जी। और इसमें जो मसाला आप घर पे यूज़ करते हैं वही मसाला आप डालिएगा। देखिए आधा से ज़्यादा मेरा बरबट्टी पक गया था तो मैंने गोभी डाल दिया है। और गोभी को भी मैं 5 मिनट के लिए पकाऊँगी, बहुत जल्दी पक जाती है और गोभी पकने में भी टाइम नहीं लगता है। तो मैं ढक ढक के पका रही थी तो भाप से बहुत जल्दी पक जा रहा था। तो ये देखिए इस तरह से इसको पकाइएगा ढक ढक के। और आधा से ज़्यादा मेरा 50% का पक गया था तो मैंने नमक भी डाल लिया है। 2 बड़ा बड़ा टमाटर है, इसमें मैं अदरक लहसुन मिर्च को भी मिक्स करके पीस दूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। तो इससे क्या होता है, काट के डालने से तो दिक्कत ही होता है बच्चों को खाने में, वो पूरा छांट के निकाल देते हैं। इसलिए मेरे जितने नए व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि काट के मत डालिएगा, पीस के डालिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप काट के डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डालने से उसका स्वाद भी बदलता है और ज़्यादा आता है अच्छा, और सब्जी भी गाढ़ी होती है। तो ये देखिए मैं अदरक लहसुन मिर्च और टमाटर को इस तरह से पीस के डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें डाल के मिक्स करके बनाया भूंजा है और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार आप डालिएगा, तंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर तीखी पसंद है मिर्च तो आप काट के भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, आपको जैसी इच्छा। तो आपके यहाँ बच्चे अगर मिर्च खाते हैं कम ज़्यादा तो कर सकते हैं। और ये देखिए हल्दी डाला है मैंने, एक आधा चम्मच से ज़्यादा हल्दी है। और ये मसाले हैं, कुछ मसाले मैंने इसमें जीरा धनिया ये सब का मसाला मैंने मिक्स करके इसमें डाला है। और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मेरा सब्जी ऑलरेडी अच्छी तरह से भुन जा गया है। तो मसाला डालने के बाद बस मैं सूखी ही बनाना है मुझे, तो इसी तरह से मिक्स करके इसमें धनिया डाल दूंगी और ये सब्जी मेरा पक के तैयार हो गया है। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगता है, ये देखिए अच्छी तरह से पक गया, देखिए ढक के मैंने पकाया है। तो आपकी रेसिपी कैसी लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।